डीएनए में आज खबरों की शुरुआत कांग्रेस के दो बड़े धर्म संकट से करेंगे जिनसे आज उसने पार पा लिया है। जीवन में कुछ पाने और चाहने की दौड़ हमेशा लगी रहती है, लेकिन कामयाबी की एक हद के बाद कुछ छोड़ना और कुछ नया भी चुनना पड़ता है। कांग्रेस इसी धर्म संकट में थी, लेकिन आज उसने रास्ता ढूंढ लिया है। कांग्रेस ने आज ऐलान कर दिया कि राहुल गांधी रायबरेली से ही सांसद रहेंगे। यूपी में जो गांधी परिवार की विरासत है उसे आगे बढ़ाएंगे। और प्रियंका गांधी का नारा लड़की हूं लड़ सकती हूं सिर्फ नारा बनकर नहीं रहेगा। प्रियंका वायनाड सीट से लड़कर भी दिखाएंगी और जीतकर भी दिखाएंगी। प्रियंका गांधी का ये किसी भी तरह का पहला चुनाव होगा जो वो लड़ेंगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर 2 घंटे की बैठक के बाद ये 2 बड़े फैसले हुए। बैठक में सिर्फ 5 लोग खुद कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल थे। बैठक के बाद खड़गे ने फैसले का ऐलान किया, सुनिए। हम बैठ के सभी ने, पार्टी ने ये तय कर दिया कि राहुल गांधी जी अपना रायबरेली का सीट रखना चाहिए, क्योंकि रायबरेली ये पहले से भी उनके बहुत नज़दीक है। वायनाड से खाली सीट पे प्रियंका जी लड़ना चाहिए और इसीलिए हम पार्टी के ओर से और मेरे ओर से उनको धन्यवाद देता हूं कि हमारी बात को उन्होंने रखी है। प्रियंका गांधी के उपचुनाव लड़ने का पहला संकेत कांग्रेस ने 3 मई को ही दे दिया था, जब रायबरेली से राहुल गांधी की उम्मीदवारी का ऐलान हुआ था। दोनों सीटें जीतने के बाद राहुल गांधी ने 11 जून को रायबरेली और 12 जून को वायनाड दौरे में भी संकेत दिए थे कि दोनों में से जो भी सीट वो छोड़ेंगे वहां से प्रियंका गांधी अपना पहला चुनाव लड़ सकती हैं। रायबरेली का पुराना रिश्ता है, काफी खुशी हो रही है कि मैं उनको फिर से रिप्रेजेंट करूंगा, मगर आसान निर्णय नहीं था, मुश्किल निर्णय था क्योंकि जुड़ाव दोनों के साथ है। हालांकि एक राजनीतिक अनुमान ये भी था कि प्रियंका अगर चुनाव लड़ी तो रायबरेली से ही लड़ेंगी, क्योंकि गांधी परिवार में कोई भी नई लॉन्चिंग या तो अमेठी से हुई है या फिर रायबरेली से। ये पहली बार होगा जब गांधी परिवार का कोई सदस्य वायनाड से डेब्यू करेगा। बहुत खुश हूँ मैं, आई एम वेरी हैप्पी टू बी एबल टू रिप्रेजेंट वायनाड। और रायबरेली के साथ तो मैं, मेरा बहुत ही पुराना रिश्ता भी है और 20 सालों से मैंने काम किया है दोनों रायबरेली और अमेठी में, तो वो रिश्ता तो कहीं मतलब किसी भी तरह से टूट नहीं सकता, उसको कायम रखने के लिए हम दोनों हैं। और भैया की मैं मदद रायबरेली में भी करूँगी और जैसे इन्होंने कहा हम दोनों रायबरेली में भी हम दोनों मौजूद होंगे और वायनाड में। अब आपको बताते हैं कि राहुल गांधी ने रायबरेली सीट ही क्यों चुनी। इसके लिए आपको सियासी सोच में जाना होगा कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर जाता है। राहुल गांधी के रायबरेली सीट अपने पास रखने को यूपी में कांग्रेस का दायरा बढ़ाने की रणनीति के तौर पर देख सकते हैं। 2019 में यूपी में कांग्रेस के पास सिर्फ 1 सीट थी जो 2024 में 6 हो गई। 2019 में कांग्रेस का यूपी में वोट 6.4% था जो 2024 में 9.4% हो गया है। कांग्रेस साबित करने में कामयाब रही है कि यूपी में उसका संगठन जिंदा है। भविष्य के नेता के तौर पर कांग्रेस राहुल गांधी को प्रियंका गांधी के मुकाबले ऊपर रखती है। उसका मानना है कि राहुल गांधी के यूपी में बने रहने से पार्टी का जो ग्राफ 24 में उठा है वो आगे और उठेगा। वहीं प्रियंका गांधी को वायनाड से लड़ाने के फौरी तौर पर 3 फायदे नजर आते हैं। पहला, वायनाड सीट बचाने में प्रियंका सबसे असरदार होंगी। दूसरा, राहुल का रिप्लेसमेंट प्रियंका होने से नाराजगी नहीं रहेगी। तीसरा, गांधी नेहरू परिवार का एक और चेहरा संसद में पहुंचेगा। प्रियंका ने खुद कहा है कि वायनाड से जीतने के बाद भी वो रायबरेली और अमेठी पर उतना ही फोकस करेंगी जितना पहले करती आई हैं। प्रियंका को वायनाड से लड़ाने में एक और मैसेज है
कि गांधी परिवार ने खुद को दक्षिण से दूर नहीं रखा है। जैसे इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी दक्षिण से चुनाव लड़ी थी, वैसे ही राहुल गांधी के बाद अब प्रियंका भी दक्षिण में प्रतिनिधित्व करती रहेंगी। राहुल गांधी ने रायबरेली सीट रख ली है और वायनाड सीट प्रियंका के लिए छोड़ दी है। ये अब साफ हो चुका है। अभी एक सवाल और है कि नेता प्रतिपक्ष की सीट पर राहुल बैठेंगे या नहीं, क्योंकि यह मौका संसद में 10 साल बाद मिला है। जी न्यूज़।